गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, आज तारीख है 1 जुलाई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून से लगा के 1 जुलाई तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सारे इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्पेशल डे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें तो हर साल 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। दोस्तों, ये डे मनाया जाता है पीसी महालानोबिस के बर्थ एनिवर्सरी पे, और ये मनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, बात करें तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की बात करें 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालानोबिस के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। जो यूथ है उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो हमारे स्टेटिस्टिक्स का रोल है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, उसको अवगत कराने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगर हम इसके थीम की बात करें तो SDC 3 और SDC 5 दो थीम रखी गई है, एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। और इसके अलावा दूसरी थीम रखी गई है अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बात करें आज की तो 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में जानते हैं एक बार। नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो हमारे लेजेंडरी फिजिशियन थे और सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल 1 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इनके सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर रॉय की बात करें तो इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है 1961 में। इसके अलावा बात करें तो हमारे देश में जो डॉक्टर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स है, इन सब को अप्रिशिएट करने के लिए, इनके कार्यों को सराहना करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे GST को 2 साल हो चुके हैं। 1 जुलाई को GST लॉन्च हुआ था, 1 जुलाई 2018 को, और 2 साल हो चुके हैं इसको, तो GST की एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया का पहला लैकिन पार्क डेवलप किया। अगर हम इस लैकिन पार्क की बात करें तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इंडिया का पहला ये लैकिन पार्क खुमस मुंशियारी, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे खोला गया। और इसके बारे में बात करें तो हिमालय का जो 5000 मीटर से ऊपर का एरिया है वहाँ पर ये लाइकेंस पाई जाती है, जो कि बायो इंडिकेटर होती है, जो पॉपुलेशन लेवल है, पॉल्यूशन लेवल है अपना उसकी। इसके अलावा बात करें तो उत्तराखंड में 600 से ज़्यादा लाइकेन की स्पीसीज पाई जाती है, और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेकेंड और थर्ड प्लेस पर 503 और 386 स्पीसीज के साथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेजारुस चकवेरा जी की बात करें तो इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत लिया है मालावी का। लेजारुस चकवेरा प्रेसिडेंट बन गए मालावी के, और उन्होंने पीटर मुतारिका को हराया है, और 58.57% वोट इनको मिले हैं। अगर हम मालावी की कैपिटल की बात करें तो लिलोंगवे कैपिटल है, और करंसी की बात करें तो मालावियन क्वाचा इसकी करंसी है। मालावी के बारे में और जानते हैं एक बार, वर्ल्ड मैप पे देखते हैं इनको। ये देखिए दोस्तों, मालावी अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे स्थित है। अगर इसके आसपास के देश की बात करें तो मोजाम्बिक और जाम्बिया और तंजानिया, इन तीनों देशों से लैंड लॉक्ड कंट्री है। और ये देखिए यहाँ की ये कैपिटल यहाँ पे है लिलोंगवे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज ऐप्स को, सॉरी 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। उन ऐप की बात करें तो क्लब फैक्ट्री, टिकटॉक, शेयर इट, शीन, जेंडर और यूसी ब्राउजर, वीचैट, और भी कई जो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं वो लिस्ट दे रखी है इन्होंने। अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया और कौन से सेक्शन के अंडर किया गया है, ये पूछने वाली बात होती है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये जो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 69A, उसके अंतर्गत ये बैन किए गए। और इनका कहना है कि हमारी जो इंडिया की इंटीग्रिटी है उसको नुकसान पहुंचा रहे, डिफेंस को नुकसान पहुंचा रहे, पब्लिक ऑर्डर और जो स्टेट की जो प्राइवेट डेटा है और सिक्योरिटी है उसको नुकसान पहुंचा रहे, इसके लिए इस ऐप को बैन किया गया है। और इस एक्ट में लिखा हुआ भी है कोई भी वेबसाइट या कोई ऐप है जो हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस या पब्लिक इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाता है तो उन सबको आप बैन कर सकते हैं इंडिया में। और चाइना ने भी वैसे कई सारे ऐप्स को कर रखा है, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे ऐप चाइना में बैन हो रखे हैं, उसी तरीके से हमने भी बैन कर दिया है। माइकल मार्टिन को प्राइम मिनिस्टर चुना गया है आयरलैंड का। माइकल मार्टिन को प्राइम मिनिस्टर चुना गया आयरलैंड का आयरिश पार्लियामेंट के द्वारा लॉर हाउस में। अगर माइकल मार्टिन की बात करें तो इनको 93 वोट फेवर में मिले और 63 वोट अगेंस्ट में मिले और इनकी जीत हुई। फियाना फेल पार्टी के ये लीडर रहे हैं 2011 से। बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो कि कंप्लीटली एक टापू के रूप में, ये देखिए यहाँ पे यूके है, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब कंट्रीज इसके पड़ोसी कंट्रीज हैं। इसके अलावा बात करें तो डबलिन आइलैंड की कैपिटल है और माइकल डी इंगिंग्स प्रेसिडेंट है आइलैंड के। और ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो यूरो चलती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ दोस्तों। एक संकल्प पर मनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, इसके बारे में बात करें तो ये 28 जून से लगा के 12 जुलाई तक के बीच में मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्लेज लेने को कहा गया है कि कम से कम 5 ट्रीज अपने लाइफ टाइम में जरूर लगाएं। और मिनिस्ट्री के द्वारा भी कुछ ट्रीज सजेस्ट किए गए, उनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया कि एटलीस्ट 5 ट्रीज आप अपने कैंपस में या जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे लगाएं और एंश्योर करें कि क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले इस कंट्री को। उसके लिए ये 5 ट्रीज बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मिनिस्ट्री ने कुछ ट्री सजेस्ट किए हैं जो कि हर्बल हेरिटेज रखते हैं अपनी कंट्री के लिए, जैसे कि आंवला, बेल, पीपल, बरगद, ये सब ट्रीज मिनिस्ट्री के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फॉर कल्चर और टूरिज्म की, तो प्रहलाद सिंह पटेल जी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। जो पॉप स्टार है बियॉन्स, उनको बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड जो उनके जो सामाजिक कार्य है उनके लिए उनको दिया गया है। और उनका जो फाउंडेशन है बे गुड करके एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जिसके अंदर उन्होंने COVID-19 से रिलीफ के लिए भी कई एफर्ट लगाए। और इन्होंने हैशटैग चलाया था आई डिड माई पार्ट, जो मोबाइल टेस्टिंग इनिशिएटिव के लिए चलाया था। इसके अलावा भी ये कई समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है, उसके लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। अगर ये बात करें तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी थी मिशेल ओबामा, उनके द्वारा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल थी उनको एडिशनल चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश के गवर्नर का। उनको चार्ज दिया गया क्योंकि जो लालजी टंडन थे मध्य प्रदेश के गवर्नर, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी, उसके कारण मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में ये कार्यभार संभालेंगी उनका। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आईएएस विनी महाजन फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई है पंजाब की।
अगर इनकी बात करें तो ये 1987 की आईएएस ऑफिसर है, जो कि इनके जो 6 कलीग्स हैं उनमें सबसे यंगेस्ट ऑफिसर है, जो कि रिटायर होगी अक्टूबर 2024 को। अगर हम पंजाब के कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ है, और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अमरिंदर सिंह है, और गवर्नर की बात करें तो वीपी सिंह बदनौर जी है। चलिए बढ़ते आगे। इंडियन एम्पायर नितिन मेनन जी को शामिल किया गया है आईसीसी के इलाइट पैनल में। अगर नितिन मेनन जी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इलाइट पैनल ऑफ एम्पायर में इनको शामिल किया गया है, और इनका कार्यकाल रहेगा 2020 से 2021 सेशन के लिए। नितिन मेनन जी की बात करें तो ये पहले एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स में शामिल थे, और इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने 3 टेस्ट, 24 वनडे इंटरनेशनल और 16 T20 इंटरनेशनल को एम्पायर कर चुके हैं। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, क्विक न्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। क्विक न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किल कोरोना कैंपेन, और ये कैंपेन 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी कि आज से COVID-19 से लड़ने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। और इस कैंपेन के अंतर्गत घर घर जाकर सभी का डेटा लिया जाएगा और जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने वर्ल्ड का पहला जो लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है, और COVID-19 पेशेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत 16.65 करोड़ का प्रोजेक्ट फंड पास किया गया है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से। इसके अलावा बात करें तो बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचार्ज सर्विस चंडीगढ़ में इनॉग्रेट की गई है। ये देश की पहली ऐसी सर्विस है जो कि लॉन्च की गई है, और इंडियन ऑयल और एमएस सन मोबिलिटी के द्वारा ये लॉन्च की गई है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए। ये जो बैटरी का स्लो चार्जिंग का प्रोसेस होता है उसको अवॉइड करने के लिए ये किया गया है, ताकि जो आप एक बैटरी वहीं पे रख के दूसरी बैटरी को लेके जाए चार्ज, जो कि फुल चार्ज है, उसको कार में लगाए या फिर अपने जो ई व्हीकल है उसमें लगाए और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तब तक कि आपकी पहली वाली बैटरी चार्ज होती रहेगी और फिर उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये काम करेगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो केरला के हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा जी है, उनको ऑनर किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उनके जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान उनके जो कार्य हैं उनकी सराहना के लिए। श्री पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और एनपीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चेयर किए 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, जो कि एनपीसी के द्वारा हेल्ड की गई थी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा। अगर इसकी बात करें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बीच अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा अगली न्यूज़ की बात करें तो भारत पहला देश बन गया है जो कि लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का यूज़ करेगा, और मेक इन इंडिया के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इंडिजीनियस व्हीकल माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर लोकस्ट कंट्रोल ड्रोन को डेवलप किया है, जो कि लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे छिड़काव करेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ट्राइब इंडिया स्टोर लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। दोस्तों, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा प्लेटफॉर्म बनाया गया है ई मार्केट प्लेस, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, उसी की तर्ज पर ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस पर आप सारे सामान मिल सकते हैं, और उसमें आप कंट्री की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड होगी कि ये कहाँ पे बना है और किसके द्वारा सेल किया जा रहा है। इंडियन नेवी में एडवांस एंटी टारपेडो डिकोय सिस्टम मरीच नाम से उसको ऐड किया गया है, और ये बात करें तो DRDO के द्वारा डेवलप की गई
एक एंटी टारपीडो डिकोय सिस्टम है, जो कि टारपीडो को डिटेक्ट करेगी, लोकेट करेगी और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। अगली न्यूज की बात करें तो एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और भूटान के द्वारा, जो कि 29 जून को साइन किया गया, और ये एक जॉइंट वेंचर के रूप में कार्य करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके अलावा बात करें तो लीवरपूल ने जो इंग्लिश प्रीमियर लीग थी उसको जीत लिया है 2019-20 की, और ये टाइटल के साथ में ये 30 साल के बाद में जीतने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात में इनॉग्रेट किया गया, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री है श्री श्रीपद नायक के द्वारा। और डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात 2 दिन का डिजिटल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा महापरवाना नाम से एक प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है, जो स्टेट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इंडस्ट्रीज में। इस प्लान में जो इंटेंसिव ऑफर किए जाएंगे वो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाई जाएगी, जिसमें जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी, उनको हर ऑफिस में जगह जगह जाकर पेपर वर्क करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बात करें तो एक पोल कंडक्ट करवाया गया, उसमें विजडन इंडिया का जो बेस्ट प्लेयर चुना गया वो राहुल द्रविड़ को चुना गया, इंडिया टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, यानी कि सदी का सबसे महानतम बैट्समैन चुना गया राहुल द्रविड़ को इंडिया से। फ्लिपकार्ट के सीईओ सचिन बंसल जी के द्वारा उनकी जो फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप है नावी, उसके अंतर्गत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया नावी लैंडिंग, जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाएगा जो मिडिल इनकम सेगमेंट है उन कंज्यूमर्स को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अभी तक आपने ट्रिकी डोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।